हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया होंगे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी और फर्दर जो भी पॉइंट्स आएंगे अपने सामने उनकी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे और एकदम क्लियर करने की कोशिश करेंगे सारे कंसेप्ट। तो शुरू करते हैं। कॉपी और पेन लेकर आप हो जाओ तैयार, नोट्स आपको सारे बनाने हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी है क्या, हम उसको किस तरह डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल फॉर्म में लेते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम और बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन और पोजिशन। तो बच्चों, जब भी हम किसी चीज में ऐसी एनर्जी स्टोर्ड पाते हैं जो उसकी पोजीशन के कारण होती है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये जो मार्कर है ये अर्थ पर पड़ा है और ऊपर है। जब अर्थ पर पड़ा है कोई हलचल नहीं है, जैसे यहाँ मैं अगर रिलीज करता हूँ तो ये नीचे की तरफ जाएगा। कोई कह सकता है ये ग्रेविटी के कारण जा सकता है ना, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसकी पोजिशन जो मैंने चेंज की, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने खींचा, ठीक है, और फिर छोड़ दिया। जब मैंने खींचा तो उसमें एनर्जी कुछ स्टोर होगी, जो मैकेनिकल एनर्जी मैंने लगाई थी वो किस में आ गई थी, पोटेंशियल एनर्जी में। जब मैंने उसको रिलीज किया तो वो वापस अपनी जगह पर चली गई। तो इसका मतलब ये है कि कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो स्टोर हो जाती है उस सिस्टम में या उस बॉडी में, किसकी वजह से, उसके कॉन्फिगरेशन, उसके जो उसकी सेटिंग होती है, उसका अरेंजमेंट होता है, उसकी वजह से या उसकी पोजिशन की वजह से, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है ना। तो यस, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज स्टोर्ड एनर्जी। बहुत बढ़िया, ये स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर हो गई उसमें, है ना, ठीक है ना। और जब हम उसको रिलीज करेंगे, जब उस पोजीशन से वापस उसकी दूसरी पोजीशन में ये आएगा सिस्टम या बॉडी, तो वो स्टोर एनर्जी या तो रिलीज होगी या और ज्यादा उसके अंदर स्टोर होगी, उसने कुछ उस स्टोर एनर्जी में चेंज होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक टाइप है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसको और ज्यादा स्टोर एक्सप्लेन करने के लिए। तो बच्चों, इसके अंदर सबसे एवरग्रीन एग्जाम्पल जो लिया जाता है, तो अक्सर टीचर्स लेते हैं समझाने के लिए और बच्चे भी उससे बढ़िया समझते हैं, कि मैंने यहाँ पर ये जो अर्थ है वहां से एक बॉडी को पिक किया और इसको मैं एच हाइट तक ले गया। कहां तक ले गया? एच हाइट तक ले गया। तो उसके जो स्टोर्ड एनर्जी होगी, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स वर्क डन के इक्वल होगा। वर्क डन बाई ए फोर्स टू ब्रिंग द बॉडी टू हाइट एच। इसको यहां तक लाने के लिए जिस फोर्स ने कितना वर्क किया उसके इक्वल हो। वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा है? अगर मैं ये मान लूं कि ये जो ऊपर जो हम ले जा रहे हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और नीचे जो हम आ रहे हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव मुझे लेना है, मैं कैसे भी ले सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर कोई फोर्स जो लग रहा है नीचे की तरफ,
उसके अगेंस्ट में रह जाता है, है ना। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो मैं किस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, एम जी। एम जी क्या है, इस बॉडी का वेट है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, मैं उसके अगेंस्ट ले जाऊंगा तो वर्क डन होगा और वो वर्क डन उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगाया मैंने, एम जी, और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू एच। एच तक का तो जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको वी एच से भी डिनोट किया जाता है, दैट विल बी इक्वल टू एम जी एच। अब मुझे कोई कहे कि भाई इसमें फोर्स कितना लगा, तो मुझे फोर्स लगाना है, निकालना है, तो एक फॉर्मूला जो अक्सर काम में लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एच। डी एच यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ना, तो मैं वी एच, यानी ये वी जो है इस एच का फंक्शन है, जो वी है ये डिपेंड करती है एच पर, इसलिए मैं इसको वी एच लिख रहा हूँ। तो वी डी वी एच अपॉन डी एच, अगर यार एक्स डिस्प्लेसमेंट होता, एक्स की टर्म होता तो हम डी एच लेंगे, है ना, बहुत सिंपल है ये चीज़। अगर मुझे फोर्स निकालना है, फोर्स कहाँ लगा है, कितना लगा है, तो मैं कैसे निकालूंगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ वी एच अपॉन डी एच माइनस वी एच की वैल्यू रख दो डी ऑफ एम जी एच अपॉन डी एच एम जी और माइनस दोनों कॉन्स्टेंट है और आ गया डी एच अपॉन डी एच। इट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू एम जी, यानी फोर्स लगा है एम जी जिसका मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस ऊपर की नीचे की तरफ। फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो उसके अगेंस्ट में वर्क किया। फोर्स जो एम जी है वो किस साइड में लग रहा है, नीचे की तरफ, उसके अगेंस्ट में, यानी ऊपर की तरफ हम चीज को ले जा रहे हैं। सो एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन एम जी एच, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, एम जी एच यहाँ पर आ गया और एम जी फोर्स के अगेंस्ट इसने काम किया। यहाँ पर फोर्स लगाया माइनस एम जी, माइनस एम जी फोर्स इज बीइंग वर्क एंड इट द वर्क इज इक्वल टू एम जी एच एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी और सिस्टम एंड इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, राइट। मेरे हिसाब से ये सब हमने बात की है कि जब हम इस बॉडी को एच हाइट पर ले जा रहे हैं, अब मैंने वहां ले जाकर छोड़ दिया, रिलीज कर दिया बॉडी, तो क्या होने वाला है, साफ कर दें। ये आपने लिख लिया होगा, जो बच्चे नहीं लिखते हैं वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं लिखें, क्योंकि बहुत जरूरी है बच्चों, अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो समझने के बाद एक बच्चे में आना चाहिए, या तो समझ में ना, समझने में आने के बाद अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए। सो नाउ व्हेन वी release the object from height h, h height से हमें रिलीज कर, क्या होगा, वो वापिस आएगा, ये h height है, वो वापिस आएगा और इस अर्थ पर स्ट्राइक करेगा। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, इट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये भी हमें देखना है। तो बच्चों देखो, इसके अंदर कई तरीके होते हैं इसको समझने के। एक पहला तरीका ये है कि जो मैग्नीट्यूड होगा जैसे एम जी एच एनर्जी वहां पर है, कहां पर, एट हाइट एच वहां पर वो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, एट रेस्ट है, वो रेस्ट में है, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी उस बॉडी में नहीं है। सो आई कैन राइट वी इज इक्वल टू जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ जीरो रखेंगे, इट इज ऑल्सो जीरो, ये भी जीरो, कहाँ पर, एच है, बोलने इससे जो भी ऑब्जेक्ट है मान लो उसने वापिस आके यहाँ स्ट्राइक किया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। क्या होता है कि जैसे जैसे ये एच कम होता जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वी एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, एच कम होगा तो वी एच
और h इज इक्वल टू जीरो पर भी h इज इक्वल टू भी जीरो हो, है ना। तो हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन ये बहुत मजेदार बात है यहाँ पर कि ऐसा नहीं होते हुए भी हम कंसीडर करते हैं। h इज इक्वल टू जीरो पर कभी भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। अगर जीरो होती तो वहीं आप उसी जगह खड्डा खोद, है ना। आप यहाँ पर एक इस तरह का यहाँ पर एक खड्डा खोद दो इसके नीचे, भाई अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, नहीं है तो नीचे कैसे जाए। होती तो है ना, होती तो है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर नहीं है। अच्छा, तो जब एच जीरो हो गया, इसका मतलब हम जो इतनी देर पढ़ रहे थे, क्या है ना, नाइन्थ क्लास से पढ़ रहे हैं, एनर्जी कंजर्व रहती है कि नहीं रहती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी उतनी उतनी होगी जितनी यहाँ होनी चाहिए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हो गई जीरो, और पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई यहाँ आए तक, ठीक है। पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, ये एम जी एच पूरी की पूरी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। एम से एम मर गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड v इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2gh। क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, v की वैल्यू अंडर रूट 2gh आनी चाहिए। अब हम देखते हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि इसी को फॉर्मूला लगा के करते हैं। एक फॉर्मूला है जिसको थर्ड इक्वेशन से हम जानते हैं, है ना, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ls। अब इसमें u तो यहाँ पर जीरो है और h डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है g एंड दैट इज इक्वल टू g। सो अगेन वी हैव ए वैल्यू ऑफ v दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। हाँ, तो इसका मतलब ये काइनेमेटिक्स से मिल रहा है। एक ही बात है, चाहे हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन से निकाले चाहे हम इसको काइनेमेटिक्स से निकाले। एक चीज और प्रूव हो गई यहाँ पर, जो टर्म काम में आ रही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमने यूज की, एनर्जी इज कंजर्व। और यहाँ एनर्जी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, यानी वी एच प्लस के ई इट इज कंजर्व, इट इज इनका जो सम है ये कॉन्स्टेंट रहेगा जो भी रहेगा। इसको हम चेक कर सकते हैं किसी यहां पर, जब ये बोल वापस नीचे आ रही है तो हम किसी भी पॉइंट पर यहां पर इसकी एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो यहां की डिस्टेंस है एक्स, ये हाइट कितनी है एक्स, ई एक्स कितनी आती है ये निकाल के देखते हैं। अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना यहाँ पर। अच्छा चलो ये निकालते हैं, बीच में एक पॉइंट है जहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ एनर्जी कितनी है। यहाँ हमने देख लिया एमजीएच है, यहाँ एमजीएच है ना, तो यहाँ कितनी ईएच है। तो देखो बच्चों, एनर्जी टोटल एनर्जी एट पॉइंट एक्स है ना, एट एच इज इक्वल टू एक्स कितनी होगी, कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी है ना, क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी है, और कुछ यहां पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एक्स के इक्वल होगी, एक्स है ना यहाँ, एक्स हाइट पर है तो एम जी एक्स तो होगी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, व्हाट एवर इज वी। मैं इसको लिख देता हूँ वी एक्स, यानी इस पॉइंट एक्स पर वापिस जब ये ऑब्जेक्ट आ रहा था तो यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू, वैल्यू निकालते हैं इसकी। अगेन वी यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन। जब थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन को हम यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है बच्चों, हमें मिलता है जैसे वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, है ना। तो यहाँ पर v तो है वी एक्स के इक्वल, u जीरो है, 2gs द डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
कितनी टोटल है एच, उसमें से माइनस कर लेंगे ये साइड को एक्स, इतनी कितने है डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी एच माइनस एक्स। अच्छा इसकी इसको उठा के याद रख लो, सो ई एक्स विल बी इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, सॉरी बी एक्स स्क्वायर के लिए रख लेते हैं, टू जी एच माइनस एक्स प्लस टू जी, ये यहां पे कितना है एम जी एक्स, समझ में आया। अरे भाई इस टू जी इसको बी एक्स स्क्वायर की जगह ले जाकर पुट कर दिया, टू से टू मर गए, एम जी एच, एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, सो इट विल इक्वल टू एम जी एच। वाह यहां पर भी mgh, यहां पर भी टोटल एनर्जी mgh, यहां पर भी टोटल एनर्जी mgh, और इससे हम कह सकते हैं कि टोटल, अगेन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, सेम रहेगी, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैनॉट बी रिड्यूस्ड or it cannot be increased, right? So total mechanical energy of the system and of the whole process will be same. Okay. तो जो चीज हम देखने वाले हैं, जो चीज हम study करने वाले हैं, बहुत important चीज है और धीरे-धीरे हमें अपना standard class 11 के according ऊपर उठाना है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? हमने एक formula भी use किया था कि force जो है उसको हमने निकाला था dv by dx, एच था इसलिए हमने एच काम में लिया था, डिस्प्लेसमेंट एच था, यहाँ पर हम ले रहे हैं, मान लेते हैं कि जो फोर्स है इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स हियर अगेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, सो यहाँ पर हमने बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट एक्स लेते हुए, तो इसमें वी क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस dv by dx। मुझे कहा जाए कि टोटल वर्क डन निकालिए, टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन कौन कर रहा है, बाय द एक्टिंग फोर्स, यहां पर एक्टिंग फोर्स कौन सा काम कर रहा था, इतनी जो जो हमने एग्जांपल लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स था, एक्टिंग फोर्स कौन था ग्रेविटेशनल फोर्स था, जिसको हमने एमजी नाम दिया था, एमजी जिसका मैग्नीट्यूड था, तो इसको हम निकालते हैं। तो बच्चों वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन इज इक्वल टू, लेट इट इज डी डब्ल्यू, इट विल बी इक्वल टू फोर्स दैट इज एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी एक्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डी एक्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और यहां पर हमने लिया है एक फोर्स, छोटे डिस्प्लेसमेंट हम dx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मुझे पूरा टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना, dw को, तो यहां पर क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन ओवर fx dx, और fx dx का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस dv, तो इसको भी हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल था वहां से वो डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल पोजीशन पर है, और यहां पर आ जाएगी इनिशियल आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इसको क्या लिखेंगे हम, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू अगेन इंटीग्रेशन ओवर एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स dx and it will be equal to dv, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, v of v, और ये v कहां से कटता होगा बच्चों, v f तक होगा v i से, तो यहां जब माइनस का चिन्ह है वैल्यू रखेंगे तो माइनस v f माइनस v i, और इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा v i माइनस v f। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि टोटल वर्क डन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, समझ
समझ में आया। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, नॉट ऑन द पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, शुरुआत में कितना था लास्ट में कितना, बस दो ही चीजों को हमें कंसिडर करना है। इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इस तरह के जितने भी फोर्सेज हैं जिनमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उनको क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। सो एक्टिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। प्यारे बच्चों, सारे फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होते, कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जो पांच पर डिपेंड करते हैं। आपको कहा जाए कि इस तरह के कौन से फोर्स हैं, तो इसका सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, द फोर्स इज वेयर द वर्क द टोटल वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल लेना चाह रहे थे, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो टोटली डिपेंड ऑन द पाथ सरफेस एंड कितना हुआ उस टाइम, क्योंकि वो कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये इसका आप एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स का सबसे बेहतरीन एग्जांपल अभी हमने देखा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। चलो, पढ़ने के बाद पोटेंशियल एनर्जी को हमने काफी डीप से सीखने के बाद हमें क्या करना है, इसकी यूनिट और वो देखनी है कि यूनिट क्या है, इसमें चेंज को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे बताएंगे, कहीं पर भी कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो वहां पर अपने को चेंज कैसे बताएंगे। और हमें ये भी देखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है ना वो किस तरह एक्ट करते हैं, है ना, और कैसे एनर्जी कंजर्व करते हैं, इसको भी हमें एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ इसी फॉर्मूले से काम ले, dx को इधर ले जाओ, सो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस डीवी इज इक्वल टू एफ एक्स डीएक्स, और मुझे केवल चेंज देखना है तो डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स डीएक्स। तो हम यहाँ जहां पर भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वो निकालेंगे माइनस एफ एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन कर लेंगे, छोटा सा चेंज देख लेंगे और उसके हिसाब से इंटीग्रेशन कर लेंगे जो भी उसकी लिमिट्स है। ठीक है, अब बच्चों ये तो हो गई बात इसकी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट जो कि एनर्जी है, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की और वर्क डन की यूनिट सेम होगी। यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अगेन इक्वल टू जूल। ठीक है, और इसकी डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो डायमेंशंस के तब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, इतने खूब सारे क्वेश्चंस कर लिए, निकाल सकते हो आप, है ना, यहाँ से निकालो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से निकालो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं बच्चों। जैसे मान लो मैंने आपको अभी अपने फॉर्मूला निकाला था एम जी एच, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, निकाल लो। एम की तो क्या होगी, एम होगी, जी की क्या होगी, जी की क्या होगी, ये डायमेंशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब एल की माइनस टू और हाइट क्या है अगेन एल, सो इट विल इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। समझ में आया ना, मास है, मास की एम होगी, ये क्या है एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस टू और हाइट लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, सो इट इज एल, सो एम एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जहां पर भी हम जिस भी क्वांटिटी को डिराइव करते हैं एक्सप्लेन करते हैं वहां हमें उसकी डायमेंशन, और डायमेंशन के बाद बच्चों हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
हमने एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल लिया था, एक बोल को ले गए थे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोर को हमने एक हाइट पर ले जाकर वापस रिलीज किया था, और तीन जगह हमने नोटिस किया कि उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है वो सेम रहता है। उसी को हम और मेथड से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज हुई थी, चेंज जो हुआ था वो किस में हुआ था, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी आई वो कहाँ से आई, वो आई आपके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, जस्ट काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंगली कम होती है, सो इट इज इक्वल टू माइनस डीवी। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है तो डेल के इज इक्वल टू डी डब्ल्यू या डब्ल्यू टोटल वर्क डन, और यहां हम ले रहे हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू अभी आज हमने क्या पढ़ा, एफ एक्स डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू माइनस डी। यहां से भी हम ले सकते हैं कि ये वर्क डन माइनस डी के इक्वल है, तो यहां मैं डेल के की जगह क्या लिखूंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी स्ट्रिक्टली इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, कम हुई ना, माइनस डीवी, समझ में आया, माइनस डीवी। अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे लिए मिलेगा डेल के इज इक्वल डेल के प्लस डीवी इज इक्वल टू जीरो, है ना, दोनों का सम हमेशा इतना ही रहे, दोनों का चेंज क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ डीवी एक छोटी सी चीज के लिए लिया था, यहाँ पर ये जो डेल है ज्यादा चेंज के लिए लेते हैं। मैं अगर इसको भी इस चेंज को स्मॉल चेंज मानते हुए डीवी और डीके कर दूं तो अब आगे क्या होगा, चेंज इन कहाँ लिखें यहाँ लिख लेते हैं, लिख और कर लिया होगा ऊपर वाला है ना। अच्छा तो चेंज इन के प्लस वी हो गया, दोनों में से डी बाहर ले लिया, डी के प्लस वी दैट विल इक्वल टू जीरो, यानी दोनों के सम में जो चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम में जो चेंज होगा वो जीरो है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या है, कांस्टेंट। अगेन हम वहीं पर पहुंच गए जहां पर हमने बात करना शुरू किया, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, समझ में आ गई कहानी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। तो बच्चों एक बहुत बढ़िया यहां पर इस तरीके को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे, और बहुत आसान है, डिटेल में हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कंटिन्यू स्टडीज।